शनिवार को नागदा उन्हेल मार ग्राम मालीखेड़ी उन्हेल में संचालित हिंदुस्तान बायोडीजल पंप की गत दिवस जांच के दौरान पंप बिना किसी एनओसी के संचालित पाए जाने के दौरान खाद्य विभाग के अधिकारियों ने उक्त कार्यवाही करते हुए बायोडीजल जब्त कर पंप को सीलबंद करने की कार्यवाही की। जांच के दौरान पाया गया कि पंप संचालक दिल्ली निवासी दिलशाद अहमद द्वारा बायोडीजल पंप के ऑफिस के पीछे महिंद्रा कंपनी के बोलेरो चार पहिया वाहन क्रमांक MP13GB1843 को खड़ा कर टैंक में लगे नोजल से ट्रक क्रमांक MP09SS9993 को विक्रय करते पाया गया। जांच के दौरान टैंक से पेट्रोलियम पदार्थ निकालकर सील बंद किया गया तथा पेट्रोलियम पदार्थ की डेंसिटी ज्ञात करने पर 830 से 900 तक का नहीं होना पाया गया। पेट्रोलियम पदार्थ में हाइड्रोमीटर डालने पर हाइड्रोमीटर पूर्णतः डूब गया। इस प्रकार मिलावटी पेट्रोलियम पदार्थ होना पाया गया, जिस वजह से खाद्य विभाग के अधिकारियों द्वारा उक्त कार्यवाही को अंजाम दिया गया।